भिलाई जहां एशिया का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है और इसे औद्योगिक तीर्थ के साथ साथ मिनी भारत के नाम से भी जाना जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र के सहायक उद्योगों से भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ साथ विदेशों में भी यहां के बनाए कलपुर्जे उपयोग किया जाता है। इन्हीं सहायक उद्योगों में एक है कक्कू इलेक्ट्रॉनिक पावर एंड कंट्रोल कंपनी, जिसके चेयरमैन राजेश बहादुर माथुर से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। कक्कू इलेक्ट्रॉनिक पावर एंड कंट्रोल के दो डायरेक्टर अमित बहादुर माथुर एवं सुमित बहादुर माथुर आज इस उद्योग को संचालित करने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं। आज हम राजेश बहादुर माथुर एवं उनके उद्योग के उत्पादन को लेकर खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के पलों को हमसे साझा किया। भिलाई के इंडस्ट्री डेवलपमेंट में आज के डेट में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ औद्योगिक क्षेत्र आज धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। लेकिन 1954 के बाद जब इंडस्ट्रियल स्टेट में सहायक उद्योगों का गठन किया गया, उस वक्त ये सोच बनाई गई थी कि भिलाई स्टील प्लांट के अंदर जितने भी कलपुर्जे या मशीनरियाँ बनाई जाएंगी वो सहायक उद्योग बनाएंगे। इसी मकसद से इंडस्ट्रियल स्टेट और इंसलरियों का गठन किया गया। इन इंसलरियों में सबसे एक महत्वपूर्ण इंसलरी है इलेक्ट्रॉनिक पावर एंड कंट्रोल, जिसके मालिक हैं राजेश बहादुर माथुर। राजेश बहादुर माथुर दिल्ली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने अपना सारा कारोबार समेट कर भिलाई को प्रस्थान किया और भिलाई में उन्होंने पहली इंसलरी अपनी स्टार्ट की। आज हम उनसे ये बात पूछने आए हैं कि वास्तव में भिलाई में आपने जो इंसलरी लगाई उससे आपको क्या फायदा मिला और क्या आपके इंसलरी से इस देश को प्लांटों को फायदा मिला है। इन बातों के लिए आज हम इनसे मिलने आए हैं। माथुर साहब, एक बात बताइए, आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप भिलाई आए, क्यों आपका लगाव इंसलरी की ओर बढ़ा? मैं 1967 में मैंने इंजीनियरिंग पास की बिट्स पिलानी से और 1969 में मैं पहली बार भिलाई आया और यहाँ के जनरल मैनेजर मिस्टर जगतपति होते थे, उनसे हमारा परिवार का कुछ संबंध था तो मैं उनसे सबसे पहले मिला। उन्होंने मेरे से पूछा, भाई क्या पढ़े हो और क्या कर रहे हो? मैंने अपनी फैक्ट्री है कक्कू ईएनपी कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दिल्ली में शुरू की थी और मैं बैटरी एलिमिनेटर्स बनाना मैंने शुरू किया था। बैटरी एलिमिनेटर्स इसलिए मैंने शुरू किया कि 1965 वॉर में पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई थी, उसके बाद हमारे फोर्सेस के पास रात के अंधेरे में गश्त लगाने के टाइम सिर्फ टॉर्चेस होती थी बैटरी से चलने वाली, और जितनी भी बैटरी हिंदुस्तान में बनती थी वो सारी बैटरीज जो हैं वो सेल्स एंड बैटरीज, वो सारी 90% उसमें से फोर्सेस को डिफेंस को चली जाती थी। और वही एक जमाना था जब ट्रांजिस्टर रेडियो का चलन शुरू हुआ था, डेवलप हुआ था और ट्रांजिस्टर रेडियो भारत में आ गए, लेकिन जिन्होंने भी लिए उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी कि उनको सेल और बैटरीज नहीं मिलती थी। तो हमारे दिमाग में आया कि भाई ऐसी चीज बनाओ जो लोग जो है अपना ट्रांजिस्टर रेडियो एंजॉय कर सके, तो हमने बैटरी एलिमिनेटर बना दिया। अच्छा अच्छा, तो मैंने उनको बताया कि मैंने बैटरी एलिमिनेटर बनाता हूँ और महीने के 800-100 बैटरी एलिमिनेटर में बनाता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। लगे यार तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो और हमारे पास रशिया से इलेक्ट्रिकल स्पेयर नहीं आ रहे, उसकी बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, तो क्या तुम डेवलप कर सकते हो?
मैंने क्या डेवलप कराना चाहते हैं आप, तो उन्होंने हमारे रिलेशन थे क्या मिस्टर लाल, एमएस लाल, जिनकी बेटी से बाद में मेरा शादी हुआ, तो उनको उन्होंने बोला कि भाई ये आया हुआ है और भिलाई स्टील प्लांट में इनको दिखाओ क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, जो स्पेयर्स नहीं आ रहा है, अगर ये डेवलप कर सके तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। तो हम कोई 3 हफ्ते यहाँ रहे और पूरे स्टील प्लांट में एक एक शॉप में गया मैं और सबकी प्रॉब्लम्स मैंने, तब आपकी इंडस्ट्री नहीं लगी थी? नहीं, इंडस्ट्री लग चुकी थी दिल्ली में, दिल्ली में थी, भिलाई में नहीं थी, भिलाई में बाद में। तो हमने कुछ रिले के पार्ट्स, कुछ कंट्रोलर्स के पार्ट्स ये बनाए जो इनको बहुत जरूरी चाहिए थे, और फिर धीरे धीरे हमने पूरे आइटम्स कंट्रोल सिस्टम्स की बनाने शुरू कर दी, क्योंकि रशिया के प्लांट्स और भी थे भिलाई के अलावा, BHEL हरिद्वार, HEC रांची, MAMC दुर्गापुर, ये सारे के सारे रशियन एडिड प्लांट्स थे और सबकी यही समस्या थी कि उनके पास स्पेयर नहीं आते थे। तो मुझे एक बहुत अच्छा मार्केट मिल गया और भिलाई का आना जाना मेरा शुरू हो गया, और हमने बहुत सारी चीजें डेवलप भी कर दी, और दिल्ली में मेरा जो फैक्ट्री का एरिया था वो मेरे घर में ही था, वो बहुत छोटा पड़ गया। तो हमने कहा अगर आगे बढ़ना है तो बड़ी जगह जाना पड़ेगा। तो मेरे को BHEL वाले भी चाहते थे कि मैं हरिद्वार में फैक्ट्री लगाऊं, और भिलाई वाले भी चाहते थे कि हम यही लगाएं ताकि बहुत सारी चीजें हम इनको दे सकें। तो हमें भिलाई अच्छा लगा, हम भिलाई आ गए। किस साल में आया भिलाई? मैं भिलाई आया 1969 69 में पहले आया था, फैक्ट्री मैंने 77 में शिफ्ट की। अच्छा, पहला प्रोडक्शन आपका क्या था? पहला प्रोडक्शन एक रिले होती थी, MKU-48 रिले, उसमें प्लास्टिक का टुकड़ा लगता था। अच्छा। वो टूट जाता था। अच्छा। तो हमने बोला कि हम ऐसा आपको बना के देंगे जो टूटेगा नहीं। अच्छा। क्योंकि मटेरियल साइंसेज में भी बहुत तरक्की हो चुकी थी इंडिया में। भिलाई स्टील प्लांट में ये कहाँ उपयोग होता था? भिलाई स्टील प्लांट में डिस्पैचर कंट्रोल सिस्टम एक होता है। अच्छा। जो कन्वेयर, एक कन्वेयर चलेगी फिर वो बंद होगी फिर दूसरी कन्वेयर चलेगी, नहीं मतलब जैसे एक मोड़ आ गया तो वहां दूसरी चलेगी। अच्छा अच्छा। तो वो डिस्पैचर कंट्रोल सिस्टम सारा कंट्रोल करता था। अच्छा अच्छा। और वो रिलेज जो है वो ऑन ऑफ करती थी। अच्छा। वो उसमें उपयोग हुआ? उसमें उपयोग हुआ। उसके बाद से आपको लगा कि भिलाई स्टील प्लांट एक ऐसा जगह है? उसके अलावा फिर मैंने और भी बहुत सारी चीजें बनाई, मैंने जितनी क्रेन है भिलाई स्टील प्लांट की, ओवरहेड क्रेन, उनका कंट्रोलर नहीं मिलता था हिंदुस्तान में। अच्छा। हमने कंट्रोलर बनाया, लिमिट स्विचेस बनाए, रेजिस्टेंस बॉक्सेस बनाए, मतलब पूरी क्रेन का इलेक्ट्रिक्स फिर हमने डेवलप कर दिया था। ये कितने साल लगे आपको इतनी यहाँ तक पहुँचने में? भाई आज भी हम और डेवलप कर ही रहे हैं, मतलब ये अंत नहीं है, अभी टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, तो हम भी अपने आप को उस तरह से तैयार कर रहे हैं। ऑटोमेशन में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, अभी हम बहुत चीज़ें बनाते हैं, कुछ चीज़ें हम डिफेंस के लिए भी बनाते हैं। बीच में आपने स्टील का भी कुछ काम किया था, आपने प्लांट के लिए भी कुछ काम, कुछ मैन्युफैक्चरिंग चेंज की थी, उसमें सफल नहीं हुए? वो हमारी ट्रेड नहीं थी, हम क्योंकि भिलाई आए तो हमने कहा यहाँ स्टील का बहुत बड़ा काम है, हम भी कर सकते हैं शुरू, लेकिन हमारे नेचर में नहीं था। आज की आपकी जो इंडस्ट्री है वो हिंदुस्तान तक सीमित है कि विदेश में भी काम है? नहीं, हम हिंदुस्तान में तो दे ही रहे सबको, बाकी हम 35 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। जैसे मैग्नेट्स, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। कौन कौन से कंट्री है? देखिए अरब में हम देते हैं, वहाँ पे 8 कंट्रीज हैं। अच्छा। क्योंकि सब जगह स्टील प्लांट लग रहे हैं जी। फिर हम अफ्रीका में देते हैं, 12-13 कंट्रीज। अच्छा।
फिर यूरोप में हम देते हैं, कनाडा में हम देते हैं और यूएस में हमने दिया है। मेड इन भले ही कमाल। हाँ जी, और पूरे वर्ल्ड में लेवल पे आप एशिया में आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे पास हर जगह के सर्टिफिकेट्स हैं और आ भी रहे हैं कि हमने जो 5 साल पहले दिया था उसकी परफॉर्मेंस क्या है। अच्छा, आपका मेन पावर का क्या रोल है आपके यहाँ, कितना मेन पावर है आपके? हमारे यहाँ 150 आदमी काम करता है, 150 सब टेक्नीशियंस है। अच्छा। इलिटरेट का कोई काम हमारे यहाँ नहीं है, अनपढ़ गवार हमारे यहाँ काम नहीं कर सकता क्योंकि काफी पढ़ना लिखना पड़ता है। आप इंजीनियरिंग जो चला रहे हैं, सरकार से क्या चाहते हैं क्या, और ऐसा किया जाए जो आपका और डेवलप हो सके? बहुत सी इंडस्ट्री बंद पड़ी है आज भिले के अंदर में, 70% इंडस्ट्रियल बंद पड़ी है, काम ही नहीं कर रही है, 10-20% इंडस्ट्री काम कर रही है, क्या वजह है इसका? देखिए, ये तो एक सरकार की पॉलिसीज के ऊपर है। दुनिया भर में डी कंट्रोल चल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रियों के ऊपर जो जकड़न है और जकड़न के साथ साथ सरकारी अफसर, दुनिया भर के कानून हैं, उन कानूनों को रिडंडेंट है आज की तारीख में। आज की तारीख में उन कानूनों की आवश्यकता नहीं है। जहां वर्कर नहीं मिल रहा काम करने के लिए पढ़ा लिखा, वहां पर कानून ऐसे बनाओगे उनको भी बेचारों को तकलीफ हो, जो नौकरी पे रख रहा उसको भी तकलीफ हो, तो उस तरह की पॉलिसीज नहीं चलेंगी। दूसरा ये है कि इंडस्ट्री के ऊपर जकड़न है, इंडस्ट्री को आज तक सरकारी आदमियों ने उनकी जकड़न ने छोड़ी नहीं है। मतलब आज भी हमारे पास लीज होल्ड जमीन है, फ्री होल्ड नहीं हुई है। स्कीम तो आई है फ्री होल्ड की, स्कीम आई है, स्कीम 5 साल पहले हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया था कि हम फ्री होल्ड कर देंगे। उनकी आज भी मंशा है कि फ्री होल्ड होना चाहिए, बट ब्यूरोक्रेसी ने अगर कानून ऐसा बनाया जो पालन ही नहीं हो सकता जिसका, उसकी वजह से पूरा भिला ही नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ जो है वो परेशान है इस चीजों से। बीच में कुछ कोरोना का जो माहौल आया था उसमें कितना अफेक्ट पड़ा था आपकी इंडस्ट्री को? सभी इंडस्ट्रीज को पड़ा। तो उसमें कैसे हुआ, कैसे उभरे आप लोग, और आज की स्थिति क्या है, कुछ प्रॉफिट हुआ उसमें उसके बाद? नहीं, प्रॉफिट तो नहीं हुआ क्योंकि ना प्रोडक्शन थी प्रॉपर, ना मैन पावर आ रही थी, बहुत लोग बेचारे पीड़ित थे इससे, और कुछ की मौतें भी हुई हैं, बड़े बड़े अच्छे हमारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस उसमें परेशान हुए और कई बेचारों की जान गई। बट वो एक पीरियड था 2 साल का, वो निकल गया और हम भूल गए। जितना हमें उस टाइम लॉस हुआ वो सब, क्योंकि ये पीड़ा सिर्फ हिंदुस्तान या भिलाई की नहीं थी, ये पूरी दुनिया की थी, तो डिमांड भी उतनी कम हो गई थी, ले देखे वो समय खराब सब पूरे दुनिया का था और वो निकल गया। आज भले के उद्योगपति कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, बहुत से इंजीनियर बोलते हैं हमको काम नहीं मिल रहा है, भले स्टील प्लांट क्या आपको काम नहीं दे रहा है, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, हम नहीं मानते। आपकी एसोसिएशन तो देखिए आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। इंडस्ट्री एक जनरल इंडस्ट्री लगा के आदमी नहीं जी सकता, आपको नई से नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, नई से नई मशीन्स लानी पड़ेंगी, एक्यूरेसी जिसमें बहुत अच्छी हो, और नई से नई चीज़ें बनानी पड़ेंगी सर्वाइवल के लिए। आप लो टेक्नोलॉजी में पड़े रहोगे तो जो घुसेगा उसी लो टेक्नोलॉजी में घुसेगा, आप खर्चे लेके बैठे हो, दूसरा आदमी जो नया शुरू कर रहा है वो भी खर्चे लेके नहीं बैठा, तो ये तो इंडस्ट्री को अपना। उनका आरोप ये है कि जो विदेशी प्लांट की मैनेजमेंट है
वो आजकल लोकल को महत्व देकर के पूरे ऑल इंडिया ग्लोबल टेंडर निकलता है, बाहर लोग टेंडर ले रहे हैं, यहाँ लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ऐसा है क्या? मेरी नजर में तो ऐसा नहीं है, मेरी नजर में ऐसा नहीं है। देखिए, बाहर वो काम जाता है जो यहां नहीं हो सकता, और यहां भी इंडस्ट्रियां काफी आ गई, और छोटी छोटी इंडस्ट्रियां हैं, उनकी कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। जी, आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे आप पे एक रिकग्निशन बने, और जब तक रिकग्निशन और आपका नाम नहीं होगा उस ट्रेड में, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी स्पेशलाइजेशन का वक्त है। तो दर्शकों, लगातार आप देख रहे हैं वार्तालाप चल रही है। एक मुलाकात में हमारे साथ मजीद सर जो हैं, राजेश बहादुर माथुर सर का साक्षात्कार ले रहे हैं, बता रहे हैं। ये तो एएनपी प्राइवेट लिमिटेड कक्कू, इस नाम से इनका जो एंसिलरी है, इसके डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपने अनुभव को काफी हमारे साथ साझा किया, लेकिन अब बात आ जाती है कि शुरुआत इन्होंने कैसे की, किस तरह की इन्होंने फंडिंग की थी, और कितनी जद्दोजहद आपको एंसिलरी को डेवलप करने के लिए करना पड़ा। मैंने ये फैक्ट्री कक्कू ईएनपी कंट्रोल के नाम से, प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दिल्ली में शुरू की 1968 में। मैंने 1967 में बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग पास की। उसके बाद ये सोचा कि भाई नौकरी तो हमें करनी नहीं है, और मिलती भी नहीं थी उस जमाने में नौकरी, तो कुछ अपना काम किया जाए। अपना काम करने के उसमें मैंने सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर का निर्माण शुरू किया। बैटरी एलिमिनेटर ऐसे डिवाइस होता है जिसमें जो सेल्स को रिप्लेस कर देता है। उस जमाने में 65 वॉर के बाद ट्रांजिस्टर रेडियो आ गए बाजार में, लेकिन उनको चलाने के लिए बैटरी और सेल्स नहीं मिलते थे। तो हमारे दिमाग में आया कि कोई नई चीज़ बनाए जिससे कि बैटरी एलिमिनेट हो जाए, और हमने बैटरी एलिमिनेटर बनाए जिससे कि हमारे कस्टमर्स, जितने भी यूज़र्स थे ट्रांजिस्टर रेडियो चलाने वाले, उनको बहुत बड़ी राहत हुई। इसी के साथ जब मैंने फैक्ट्री खोली, तो कुछ मैंने अपने पिताजी से पैसा लिया, कुछ भाई साहब से पैसा लिया थोड़ा थोड़ा, और उससे ही गुजारा किया। फैक्ट्री हमारी चल पड़ी, हमारा जो भी प्रोडक्ट था वो बाजार ने एक्सेप्ट किया, और डिमांड बढ़ने लगी। तो हमारे पास उतना पैसे के रिसोर्सेज नहीं थे, तो हम बैंक गए, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, हमारी फैक्ट्री के पास ही था, घर के पास ही था। तो मैंने मैनेजर साहब को बोला कि साहब मुझे 40,000 रुपए का लोन चाहिए। तो उन्होंने मेरे ऊपर से नीचे तक शक्ल देखी, और फिर कहा वो दरवाज़ा है ना, वहाँ से आप बाहर चले जाइए, हम किसी को लोन नहीं दे सकते, हमारे पास कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री वाला आए और उसको पैसे दे दें। ऐसी कोई पॉलिसी सरकार की भी नहीं है, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की भी नहीं है। हम बड़े मायूस होकर चले गए, और किसी तरह हाथ पैर मार के अपना फैक्ट्री चलाते रहे। एक साल बाद हम बड़े हैरान हुए कि वही मैनेजर हमारे पास आया, और मैनेजर साहब कहने लगे आपको कितने पैसे की जरूरत थी। मैंने कहा साहब उस टाइम तो 40,000 की जरूरत थी, अब कुछ और बढ़ गई है डिमांड। कहने लगा भाई देखिए, मेरी जो पॉलिसी बनी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आई है, इंदिरा गांधी जी के ऑफिस से, उसमें मैं 80,000 रुपये तक लोन दे सकता हूँ। तो हम तो इंदिरा गांधी के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा भाई ऐसा सोच अगर आई है, और इंडस्ट्रियों को और अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए अगर ऐसी फैसिलिटी मिलेगी, तो भारत में तो क्रांति आ जाएगी, सभी इंजीनियर जो है वो कुछ ना कुछ डेवलप करेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, और हमें भी 80,000 रुपए की एक लिमिट दी गई। उससे हमने
और चीज़ें डेवलप की जो स्टील इंडस्ट्री में लगती है, BHEL में लगती है, MAMC में लगती है, और इस फाइनेंस की वजह से हमने अपनी फैक्ट्री को और सुदृढ़ किया। अपने यहाँ पहले मेरे पास 5 आदमी काम करते थे, फिर वो 20 आदमी हो गए। तो एक क्रांतिकारी ये फैसला था। बोलना चाहूंगी कि एंसिलराइजेशन कब क्यों हुआ और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? एंसिलरी के बारे में मैंने वो फैक्ट्री, क्योंकि मेरे पास जगह छोटी पड़ गई थी, बैंक वालों ने भी मेरे को 2.5-3 लाख रुपया लोन दे दिया था, तो मेरे पास जगह बहुत छोटी पड़ गई दिल्ली में। और भिलाई, जब तक मैंने भिलाई स्टील प्लांट से कुछ ऑर्डर का काम करना शुरू भी कर दिया था, तो भिलाई एक मेरे को बहुत अच्छी जगह लगती थी फैक्ट्री बनाने के लिए। तो मैं अपनी फैक्ट्री दिल्ली से भिलाई शिफ्ट मैंने कर दिया, और भिलाई में भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब वहाँ का तो काम खत्म हो गया, वहाँ ने रीपे कर दिया लोन जब वहाँ से शिफ्ट किया, तो भिलाई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हमको बहुत बड़ी सपोर्ट की। स्टेट बैंक ने सीधा पूछा आपसे कि कितने पैसे आपको वहाँ लोन था आपका, तो मैंने बताया कि 80,000। कहने लगा हम 1,20,000 देंगे आपको, मतलब वो बहुत बड़ी सपोर्ट थी एक बैंक की, और उसकी बदौलत हमने यहाँ पर अपनी फैक्ट्री बढ़ाई और नई नई चीज़ें हमने डेवलप करी। आज अब जैसे क्रेन, ओवरहेड क्रेन जो हर प्लांट में सैकड़ों में लगी हुई होती है, उसके अब सारे कंट्रोल सिस्टम्स हम बनाते हैं। जितने भी स्टील प्लांट्स हैं इंडिया में, सब मेजॉरिटी ऑफ देम आर माय कस्टमर्स। सारे सेल के स्टील प्लांट्स, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिंदल स्टील एंड पावर, जिंदल स्टील वर्क्स, ऐसा जितने हिंदुस्तान में बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स हैं वो सब हमारे कस्टमर्स हैं, उनकी रोलिंग मिल्स के लिए और क्रेन्स के लिए हम मेजॉरिटी ऑफ काम करते हैं। दिल्ली में के बाद आपने जब भिलाई का रुख किया तो सेम नेम था ककू लिमिटेड, वही कंपनी शिफ्ट हुई। थोड़ा सा आप पारिवारिक एंसिलरी में आपने बनाया है, आपके अलावा भिलाई कितनी एंसिलरियां हैं ऐसी जो सक्सेस हुई है? मैं आपको बताता हूं। उसमें देखिए ऐसा है कि पहले तो एंसिलराइजेशन कैसे हुआ, शुरू में जो हम लोग आए तो इंजीनियर्स थे मेजॉरिटी, जो अनएम्प्लॉयड थे उन्होंने शुरू की थी फैक्ट्रियां। मध्य प्रदेश सरकार ने, पहले मध्य प्रदेश होता था, छत्तीसगढ़ बाद में बना है, 10 अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए शेड्स बनाए 18-18 फुट के। वो एक बहुत बड़ा सहारा था क्योंकि हमें बनी बनाई जगह मिल गई, अगर हम बनाते तो हमारे और लोन चढ़ता हमारे ऊपर, और 180 रुपए महीना किराया था उसका शेड का। तो यहां जो इंजीनियर्स आए, 10 शेड में से 8 शेड इंजीनियर्स के थे, जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली या जो काम कुछ शुरू कर चुके थे या नौकरियां करते थे यहां पर, उन्होंने ही ये इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिश करी। उसके बाद 8 शेड और बने तो और इंजीनियर्स आ गए उसमें। तो इस तरह से यहाँ इंडस्ट्री में इंजीनियर्स का पदार्पण हुआ। अब उसके बाद हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी भिलाई स्टील प्लांट से, क्योंकि बायर तो एक ही था, इंडस्ट्री बड़ी एक ही थी यहाँ पर, उसी का सब काम करते थे। तो हम कई चीज़ों में, क्योंकि हमें सारा रॉ मटेरियल बाहर से लाना पड़ता था, तो हमारी इनपुट कॉस्ट जो है वो बड़े शहर से जहाँ से भी हम खरीद के लाते थे उससे थोड़ी ज़्यादा होती थी। तो भिलाई स्टील प्लांट में हम कई जगह कम्पीट नहीं कर पाते थे इस प्रॉब्लम की वजह से। तो हमने यही सबने भिलाई स्टील प्लांट से बात की है, सब आप एंसिलरी इंडस्ट्री डिक्लेयर करिए, लेकिन वो हमारी सुनते नहीं थे और उनकी पॉलिसी भी नहीं थी जब तक। तो हमने स्टेट गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से बात की, और उस टाइम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे कैलाश जोशी जी,
तो जोशी जी का यहाँ पदार्पण हुआ और हम सब जाके उनसे मिले और उनसे बोला कि साहब हमको आप एंसिलरी डिक्लेयर करिए, क्योंकि एंसिलरी स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, प्लांट नहीं डिक्लेयर करता। तो उन्होंने एसआर जैन साहब यहाँ पर जनरल मैनेजर थे, उनको बुलाया और उनको निर्देश दिया कि एक महीने में आप एंसिलरी डिक्लेयर कीजिए और इस दिन 30 दिन बाद मैं भिलाई आऊंगा, उस दिन मैं इन लोगों को सर्टिफिकेट दूंगा एंसिलरी। तो ये सच्चाई सामने आ गई, एक महीने बाद एंसिलरी डिक्लेयर हो गई और 34 इंडस्ट्रीज को पहले राउंड में एंसिलरी डिक्लेयर किया गया, हम भी उसमें से एक थे। आज उसमें कितनी सक्सेस है? जो पुराने इंडस्ट्रियां हैं उसमें तो 60% 70% सक्सेसफुल है, कुछ गुजर गए बेचारे हमारे साथी, उनके बच्चे नहीं संभाल पाए तो वो जरा खराब हो गया हिसाब किताब उनका। बाकी शुरू की 34 में से मैं समझता हूँ 26-27 आज भी चल रही। उसके बाद जब प्लांट में 1 मिलियन टन था या 1 मिलियन टन अब जब 4 मिलियन टन का प्लांट हो गया, अब 7.5 मिलियन टन का हो गया, 8 मिलियन टन, तो उसी हिसाब से एंसिलरी की भी ग्रोथ बढ़ रही, ग्रोथ बढ़ी है। आज 125-150 एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, बट सक्सेसफुल 50% सक्सेसफुल है। ब्लेस्टी प्लांट से एंसिलरी को पूरा काम मिलता है कि कोई कंपटीटर भी है? नहीं, कंपटीटर तो आज भी बाहर वाले लोग आ रहे हैं, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं उसकी वजह से नुकसान होता है, कुछ हमारी भी कमजोरियां होती हैं जिसकी वजह से यहाँ की इंडस्ट्री नहीं पूरा कर पाती। तो वो जो सक्सेसफुल है, जो लगन से काम करते रहे हैं और जिन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया, वो तो आज भी सक्सेसफुल है। आपकी सफलता का श्रेय किसको देते हैं आप? क्योंकि जितने वार्तालाप अभी हमारे बीच हुई, हमने काफी उतार चढ़ाव के बाद देखा कि आप एक सक्सेस पर्सन हैं, अपनी सफलता का श्रेय किसको देते हैं? देखिए, सफलता का श्रेय तो सबसे पहले पॉलिसी मेकर थी इंदिरा गांधी। अगर इंदिरा गांधी जी बैंकों से लोन नहीं दिलाती तो भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उस टाइम इंडिया की इकोनॉमी ग्रो शुरू हुई थी ग्रोथ। और आज इंडिया एक बहुत बड़ा, मतलब इतनी इंडस्ट्री भी आ गई है, सरकार की भी पब्लिक सेक्टर बहुत सारे खुले हैं, स्टील प्लांट एक एरिया है, उसके अलावा BHEL खोला गया, BEML खोला गया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खोला गया, फिर ये क्या हमारे सैटेलाइट्स दुनिया भर के हैं, आज सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन यहाँ की फैक्ट्रियों ने बनाया, जीरो डिफेक्ट। इनका सवाल ये है कि आपकी जो तरक्की हुई उसके पीछे किसका हाथ है? हमारी कोई, कोई सफलता का श्रेय लेते हैं? देखिए हमारी एक तो ट्रेड, मैं जो चीज, मैंने कभी किसी की कॉपी नहीं की, हमने जो भी चीज बनाई अपने डिजाइन अपने इनोवेशन से बनाई, और हमारे चीज का एक्सेप्टेंस जो भी हमने आइटम बनाई वो स्टील प्लांट्स में भी है। आज हमारे नाम से प्रोप्राइटरी इंक्वायरी निकलती है, वो बोलेंगे कक्कू मैग्नेट, कक्कू लिमिट स्विच, कक्कू मास्टर कंट्रोलर, बाई माई ट्रेड नेम सारी चीज हमारे पास ऑर्डर आते हैं, और हमारे रेट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिनने हमारा सामान एक बार लगा दिया वो रिपीटेटिव रिक्वायरमेंट हमें देता है। आपके परिवार में कौन है जो आपका काम संभाल सके आज? क्या परिवार तो सक्सेस है, सफल है? मेरे दो बेटे हैं वो फैक्ट्री संभालते हैं, मेरा बड़ा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है,
चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है, सुमित बहादुर. फिर ही इज ऑल्सो हैविंग 3 degrees ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, 3 degree उनके पास है. सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, 3 degree अमेरिका की. सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ऑस्ट्रेलिया का है. यहाँ की डिग्रियाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, यहाँ का इंडिया का है. कब की रिटर्निंग कौन देखता है? दो भाई देखते हैं. एक दोनों का अलग अलग फील्ड है, एक प्रोडक्शन और वो एक फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो हमारे साथ आपने अपने अनुभव को बहुत साझा किया, एंसिलरी को लेकर के भी जो भ्रामक मन में वो था उसको दूर किया, अपनी सक्सेस की स्टोरी बताई ग्रैंड एशियन न्यूज़ के माध्यम से. जो ध्रुव भिलाई प्रदेश के लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए? सब अपने बच्चों को पढ़ाओ. आज भिलाई में बहुत अच्छा एजुकेशन का एटमोसफियर है. इंडस्ट्री के अलावा भिलाई और छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर बन चुका है. जितनी आप अपने बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देंगे पढ़ने की लिखने की, उतने वो आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय. धन्यवाद. तो दर्शकों, ये थे राजेश बहादुर माथुर सर. जी हाँ, ये एक सफल व्यक्ति है, ENP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर है. अपना निक नेम कक्कू के नाम पर ही ने अपने पूरे कंपनी का नाम कक्कू ENP प्राइवेट लिमिटेड रखा है. अपना कीमती समय देकर अपने काफी अनुभव हमारे साथ साझा किए हैं. लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक मुलाकात में खास शख्सियतों से. नमस्कार.